इसी महीने आने वाली अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये फिल्म 25 को रिलीज हो रही है और फिल्म में अक्षय कुमार राधिका आप्टे के साथ रोमांस करते देखेंगे। सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस फिल्म में अक्षय ऐसा सोशल मैसेज देंगे जो पहले किसी एक्टर ने नहीं दिया। वहीं सिर्फ पैडमैन ही नहीं, अक्षय कुमार अपनी एक और फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। ये फिल्म है अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0। इस फिल्म में अक्षय कुमार विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। 2018 में अपनी दो बेहतरीन फिल्मों से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर राज करते देखेंगे। अक्षय पिछले कई सालों से बॉक्स ऑफिस किंग बने हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा वक्त पहले नहीं था। अक्षय कुमार ने एक वक्त पर ऐसी सुपर फ्लॉप फिल्में दी हैं कि आपको भी यकीन नहीं होगा। एक वक्त पर अक्षय ऐसी फिल्में चुन रहे थे कि वे सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। आगे जाने अक्षय के करियर की अब तक की सबसे फ्लॉप 9 फिल्मों के बारे में। मेरी बीवी का जवाब नहीं। अक्षय कुमार की ये फिल्म 2004 में आई थी। वे इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ रोमांस करते दिखे थे। इस फिल्म ने मात्र 20 लाख रुपए कमाए थे तराजू। वहीं अक्षय कुमार की ये फिल्म 1 अगस्त 1997 में रिलीज हुई थी। बड़े बजट की इस फिल्म की कमाई 2.95 करोड़ रही। सैनिक सिपाही के किरदार में देखे अक्षय कुमार दर्शकों को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाए। ये फिल्म 10 सितंबर 1993 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने महज 7 लाख रुपए ही कमा पाए। दिल की बाजी वहीं 7 मई 1993 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में है। इस फिल्म की कमाई 85 लाख है। इक्कीपे इक्का। अक्षय कुमार की फिल्म इक्कीपे इक्का 11 अक्टूबर 1994 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म अक्षय की एक और फ्लॉप थी। इस फिल्म ने 85 लाख ही कमाए थे। हम हैं बेमिसाल 16 दिसंबर 1994 को रिलीज हुई अक्षय कुमार की ये एक्शन फिल्म भी फ्लॉप रही। इस बड़े बजट की फिल्म की कमाई 1.2 करोड़ ही रही।